मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है, लाइन ए बी 100 मिलीमीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी, द एंड ए इज इन द एचपी एंड 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, इट्स एलिवेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। इस डेटा में हमें लाइन ए बी दी गई है जिसकी लेंथ 100 मिलीमीटर है और ये 100 मिलीमीटर लॉन्ग लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इस लाइन ए बी का जो एंड ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है और वर्टिकल प्लेन से 20 मिलीमीटर आगे की दिशा में है। ये लाइन को एलिवेशन में देखने से, यानी ये लाइन को फ्रंट व्यू में देखने से, ये लाइन एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें इस लाइन का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। तो डेटा में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसे हम बारी बारी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये जो ए बी लाइन है उसकी लेंथ 100 मिलीमीटर दी गई है, तो ये 100 मिलीमीटर है वो इस लाइन की ट्रू लेंथ है। सो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। हम ट्रू लेंथ को ए डैश बी डैश और ए बी लाइन से डिजिग्नेट करेंगे। सो ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी इक्वल टू 100 मिलीमीटर। यहाँ पर इस ट्रू लेंथ का वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल दिया गया है जो कि 30 डिग्री है, तो ट्रू लेंथ का वर्टिकल प्लेन के साथ का एंगल हम फाइ से डिजिग्नेट करेंगे। सो फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस लाइन का जो एंड ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है और वर्टिकल प्लेन से आगे की दिशा में है, तो यहाँ पर हम लाइन के एंड ए को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। सो एंड ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर दूसरी कोई कंडीशन हमें दी नहीं गई है, इसलिए इस पूरी लाइन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। तो लाइन ए बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये जो लाइन ए बी है उसे एलिवेशन से देखने से वो एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये जो लाइन है उसे फ्रंट व्यू में देखने से ये लाइन एक्स वाई लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल है वो है अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इस लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया है, इसलिए एक्स वाई लाइन से ऊपर का जो प्लेन बनेगा वो होगा वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा फ्रंट व्यू, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं, वो मार्क करेंगे। एक्स वाई लाइन के नीचे का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम हमेशा टॉप व्यू, जिसे हम प्लान भी बोलते हैं, वो मार्क करेंगे। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम एंड ए की कंडीशन को मार्क करके करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है द एंड ए इज इन द एचपी, तो जो एंड ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है, इट इज़ नॉट अबो एचपी और इट इज़ नॉट बिलो एचपी बट इट इज़ इन द एचपी, तो ये जो पॉइंट है वो हम एक्स वाई लाइन पर ही मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम ए डैश नाम देंगे। और आगे दिया गया है द एंड ए इज 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी रहता है तो वो हमेशा एक्स वाई लाइन से नीचे मार्क किया जाता है, तो इसके लिए हम पॉइंट ए डैश में से नीचे की दिशा में 20 मिलीमीटर लंबी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसे हम नाम देंगे पॉइंट ए। अब हम ए डैश और पॉइंट ए का डायमेंशन देंगे। और ए से ए डैश का डायमेंशन है 20 मिलीमीटर। अब हम पॉइंट ए में से रैंडम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें जो ट्रू लेंथ है वो 100 मिलीमीटर दी गई है और ये जो ट्रू लेंथ है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई लाइन वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है तो उस एंगल को हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए हम पॉइंट ए में से 30 डिग्री के एंगल पर 100 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का जो दूसरा एंड बनेगा वो होगा पॉइंट बी। तो ए से बी की लंबाई है 100 मिलीमीटर और ये ट्रू लेंथ है। और इस लाइन ए बी का वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्री और इस एंगल को हम फाई नाम देंगे। तो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम पॉइंट बी में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लोकस लाइन को हम बोलेंगे लोकस ऑफ बी। अब हम इस प्रॉब्लम को आगे ड्रॉ करने के लिए पॉइंट बी में से ऊपर की दिशा में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल लाइन को हम पॉइंट ए डैश में से पास होती हुई ओरिजिनल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये लाइन हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है और ये लाइन ए डैश की ओरिजिनल लाइन के साथ जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे बी वन डैश। अब हम ए डैश बी वन डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम ए डैश बी वन डैश जितनी रेडियस लेंगे और ए डैश को सेंटर रखकर हम ऊपर की दिशा में रैंडम लेंथ की आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क है वो हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। इस लाइन ए बी का जो एलिवेशन है वो एक्स वाई लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके लिए हम पॉइंट ए डैश में से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम इस आर्क के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी टू डैश और ए डैश बी टू डैश लाइन एक्स वाई लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो डेटा में जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उतना ड्राइंग हमने कंप्लीट कर लिया। आगे का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट बी टू डैश में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लोकस लाइन को हम बोलेंगे लोकस ऑफ बी डैश। तो यहां पर हमें जो ट्रू लेंथ दी गई है उसकी लेंथ 100 मिलीमीटर दी गई है। तो यहां पर लाइन ए बी ट्रू लेंथ है साथ ही लाइन ए डैश बी डैश भी ट्रू लेंथ ही बनेगी। तो इसके लिए हम
ए से बी जितनी यानी 100 मिलीमीटर लेंथ की रेडियस लेंगे और ए डैश को सेंटर रखकर इस लोकस ऑफ पी डैश की लाइन को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी डैश। अब हम ए डैश और बी डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ए डैश बी डैश लाइन है वो भी ट्रू लेंथ ही बनेगी जिसकी लेंथ है 100 मिलीमीटर। अब हम आगे का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट बी डैश में से नीचे की दिशा में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल लाइन को हम पॉइंट ए में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये लाइन हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो ये लाइन ए की हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे पॉइंट बी वन। अब हम ए बी वन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम ए से बी जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर रखकर हम नीचे की दिशा में आर्क ड्रॉ करेंगे और इस आर्क को हम लोकस ऑफ बी के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये आर्क हमने ऊपर से नीचे की दिशा में ड्रॉ की है। तो ये आर्क लोकस ऑफ बी को जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे पॉइंट बी टू। अब हम ए बी टू को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये लाइन का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट बी टू और पॉइंट बी टू डैश हमेशा एक ही लाइन पर मिलने चाहिए। तो अब हम पॉइंट बी टू और पॉइंट बी टू डैश को एक वर्टिकल लाइन से जोड़ लेंगे। अगर लाइन का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट बी टू और पॉइंट बी टू डैश एक लाइन पर नहीं मिलते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने कोई गलती की है। लेकिन हमारे इस सॉल्यूशन में पॉइंट बी टू और पॉइंट बी टू डैश हमें एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन एकदम सही है। अब हम एंगल थीटा और एंगल बीटा फाइंड करेंगे। तो ए डैश बी डैश लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल थीटा। अब हम एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एंगल थीटा हमें मिल रहा है 38 डिग्री, 10, 20, 30 प्लस 8, 38 डिग्री। और लाइन ए बी टू वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल बीटा। अब हम एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें एंगल बीटा भी मिल रहा है 38 डिग्री, 10, 20, 30 प्लस 8, 38 डिग्री। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है और जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।